आप निरंतर कपालभाति करते रहो और अनार का सेवन करते रहो, आपको एक बार उल्टी, दस्त और मान लीजिए डायरिया हो गया, दोबारा से डायरिया ना हो। अब एलोपैथी में कोई दवाई है सेकेंडरी प्रिवेंशन है, वो हार्ट की और उसकी तो बात करते हैं कैंसर आदि की, कि भाई ये दोबारा ना हो, फलाना ना हो, बोलिए ये तो होता ही रहता है, ऐसे कैसे होता रहता है। आप अनार का सेवन रोज़ करो, आपको कभी भी डायरिया और ये सब तमाम तरह का फूड इन्फेक्शन और तमाम तरह की सब चीज़ें नहीं होंगी। अरे रोज़ नहीं तो सप्ताह में 3 दिन ले लो, 5 दिन ले लो अनार। हमारे यहाँ मैं बचपन से सुनता था, एक अनार 100 बीमार। अच्छा गांव में अनार मिलता नहीं था पहले, ये शहर के लोग खाते थे पहले अनार, आज से 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। गांव के आदमी को तो अनार मतलब उसमें किताबों में पढ़ने को मिलता था अनार तो हम छोटे बच्चे थे तो हमारे स्कूल में अनार लगा करते, तो वैसे ऐसे लगते थे फिर टूट जाते थे, तो छोटे छोटे बच्चे उन्हें अनारों को तोड़ तोड़ के खाते रहते थे। उनमें दाने तो होते नहीं थे, पकने देते नहीं थे, और होते भी थे तो इतने पत्थर तोड़ दाने होते थे, मतलब पत्थरों की तरह दांत टूट जाए वो उनमें रसी नहीं निकलता था। खैर लेकिन अब अनार तो बहुत ज़्यादा पूरे देश में मिलता है, गरीब आदमी भी थोड़ा खाने लग गया, फिर भी पूरा तो नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया सबको। अनार सबसे बढ़िया चीज़ है, बताओ आप बुखार से बच सकते, उल्टी दस्त से बच सकते हो, सर्दी जुकाम से भी बच सकते हो, बताओ ये गिलोय अनार, ये दो चीज़ें बताओ।